मासी, मेरा गरबा देखने जाना कैंसिल हो गया है। सर, गुजराती में हम लोग यहाँ पे सुकड़ी बोलते हैं, वैसे गोल पापड़ी। हम लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है क्योंकि तो किसु यहाँ पे हमारे हो चुकी है रेडी, और किसु ने वेयर किया है सरारा, चनिया चोली वेयर नहीं किया इसने, और अब ये जाएगी स्कूल में गरबा खेलने के लिए। अच्छे से खेलना, एंजॉय करके आना, ठीक है? जय श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव री सा, राधे राधे, जय माता दी। हमारे आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो बस अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और किसु के हैं आज स्कूल में गरबा सेलिब्रेशन, तो वो तो तैयार होके चली गई है गरबा खेलने के लिए, और मैं अभी लग गई हूँ मेरे सफाई अभियान पर। तो आज मैंने सोचा एक तो ये बेड साफ कर देती हूँ और एक साथ में हर्षित बना की अलमीरा को साफ कर देती हूँ, क्योंकि घर में सबकी अलमीरा साफ हो चुकी है, खाली मेरी और हर्षित बना की बाकी रही है। तो आज मैंने सोचा आज पहले हर्षित बना की अलमीरा साफ कर देती हूँ, मेरी तो मैं एक दो दिन बाद में कर लूंगी। तो बस अभी अलमीरा भी मैंने खाली कर दी है, अभी इस बेड को मेरे अभी खाली करना बाकी है। आज का मौसम थोड़ा सा खराब हो रखा तो मैंने सोचा थोड़ी धूप आ जाए उसके बाद में ये जो सारे ब्लैंकेट रखे हुए हैं इनको थोड़ा सा धूप में दे दूंगी। तो बस थोड़ी दूर वेट करती हूँ धूप आने का, तब तक मैं मेरा दूसरा काम फ्री कर लेती हूँ, और आप लोग भी बने रहना हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में। ये देखिए अभी थोड़ा सा मौसम खराब हो रखा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा मौसम को साफ होने देती हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जय माता दी। तो अभी फिलहाल 12 बज चुके हैं, हम लोगों ने लंच भी बनाकर रेडी कर दिया, किसु भी स्कूल से आने वाली है, और जो सुबह से मौसम खराब हो रखा था वो अब जाकर थोड़ा सा साफ हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि खाना खाने से पहले जो ब्लैंकेट वगैरह मैंने धूप में देना है वो धूप में दे देती हूँ। वैसे इतनी तो धूप नहीं निकली है, फिर भी थोड़ी सी हवा लग जाएगी। और आज तो मेरे कपड़े भी मशीन में ऐसे ही पड़े हैं, मैंने मशीन चालू की और 10 मिनट के बाद में लाइट चली गई जो अभी तक नहीं आई है, अब पता नहीं उनका भी क्या होने वाला है। तो पहले फटाफट से ब्लैंकेट है जो धूप में दे देती हूँ। तो फिलहाल बेड मैंने अंदर से पूरा खाली भी कर दिया और अच्छे से इसको पूरा पोंछ भी दिया। ये जो ब्लैंकेट वगैरह वो मैंने यहाँ पर डाल दिए बाहर, और थोड़े बहुत जो बिस्तर है वो मैंने इधर बालकनी में डाल दिए, और मासी जी ने यहाँ पे सारा कचरा इकट्ठा कर लिया जो मैंने बिखेरा था। अब खाना खा ले मासी पहले, बाद में शाम को रखूँगी, ये धूप लगने देते। हाँ, ये आज का मेरा लंच, गिलोड़ा बटाके की सब्जी, साथ में थोड़ी सी राबोड़ी की सब्जी, रोटी और छाछ। फिलहाल 2 बज चुके हैं, काम तो हमारा सारा हमने फिनिश कर लिया, लेकिन लाइट जो है वो अभी तक नहीं आई है, और पता भी नहीं है कब आएगी, क्योंकि 7 बजे से लाइट गई हुई है। बीच में 10 मिनट के लिए आई थी, उस टाइम मैंने मशीन तो लगा दी लेकिन वापस लाइट चली गई, और मशीन में मैंने बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म भी डाल दिए धोने के लिए। तो अब मैंने सोचा स्कूल यूनिफॉर्म बाहर निकाल लेती हूँ और हाथ से धोकर सुखा देती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब आएगी। तो फिलहाल इतने से कपड़े मैंने हाथ से धोके तो यहाँ पर सुखा दिए। बच्चों के 2 स्कूल यूनिफॉर्म है, एक तो ये वाली और एक स्पोर्ट यूनिफॉर्म, तो कल ये वाली स्कूल यूनिफॉर्म उनको वेयर करके जानी है, इसलिए मुझे धोनी पड़ी। और अभी तो अच्छी धूप आ रखी है तो सूख जाएंगे। और ये देखिए लाइट जो है वो अभी तक नहीं आई, क्योंकि अगर लाइट होती तो यहाँ पे लाइट चालू होती। तो अब चलते हैं नीचे। तो बस अभी शाम हो चुकी है और 5:30 बजने वाले हैं, और जो सुबह 7 बजे लाइट गई थी वो शाम के 5 बजे वापस आई। तो बस पहले मैं ऊपर जाकर देख कर आई कि मशीन चल रही है नहीं चल रही है, और फिर आकर चाय पी, और अब ये जो बर्तन है मैंने दोपहर में धोए थे तो इनको इनकी जगह पे पहले रख देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल समय हो चुका है भोजन बनाने का, तो आज का हमारा क्या मेनू होने वाला है वो बताएंगे हमारे प्रिय मासी जी। आज जय माता दी, आज हम बना रहे हैं वही हमारी ब्लॉकी की प्रिय सब्जी, और आज बनाएंगे ज्वार की रोटी। पर उससे पहले हम बनाएंगे माता जी का प्रसाद, गुजराती में हम लोग यहाँ पे सुकड़ी बोलते हैं, वैसे गोल पापड़ी। तो माता जी का प्रसाद बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने गैस पे चढ़ा दिया है पेन, और पेन में डाल दिया है घी। अब इसमें जाएगा ये गेहूँ का आटा। तो बस घी में आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब गैस की जो फ्लेम है उसको एकदम लो कर देंगे और इसको सेकते जाएंगे, जय माता दी बोलते बोलते। तो गैस की लो फ्लेम पर इस आटे को मैंने 25 मिनट तक अच्छे से सेक लिया, और अब गैस को कर देंगे बंद। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पीसी हुई इलायची, और साथ में डाल देंगे अब इसमें गुड़,
और गुड़ डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे हमने डाल दिया है सूखा हुआ नारियल का छीना और साथ में थोड़े से रोस्टेड तिल। तो सूखड़ी तो हमारी यहाँ पे बनके रेडी हो चुकी है। बस अभी इस थाली में तेल लगा दिया और जो ये हमारा मिश्रण है इसको इसके अंदर डाल देंगे और ठंडा करके इसके पीसेस कर लेंगे। तो प्रसाद तो हमारा तैयार हो चुका है और जब तक मैंने आटा सेका तब तक मासी ने भी सब्जी बनाकर रेडी कर दी। और प्रसाद बनाने के बाद में मैं ये सूखे हुए कपड़े भी लेकर आ गई और जो मशीन में कपड़े थे वो भी सुखा कर आ गई। और जो सुबह में मैंने डाले थे ब्लैंकेट वगैरह धूप में वो भी मैंने वापस से बेड में रख दिए। हर चीज़ बना के अलमीरा भी मैंने अच्छे से वापस सेट कर दी। और अब ये कपड़े आयरन और फोल्ड में बाद में करूँगी क्योंकि पहले करनी है माता जी की आरती। और आज मुझे लगता है हम लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है क्योंकि मौसम जो है पूरा चेंज हो गया। बाहर बिजलियाँ चमक रही है, बादल गड़गड़ कर रहे हैं और एकदम मस्त ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो थोड़ा सा बाहर का मौसम देख लेते हैं फिर करते हैं माता जी की आरती। ये देखिए अंधेरा हो गया इसलिए ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी बारिश हुई इसलिए पूरी सड़क गीली है। तीनी आरती जे कोई गासे माते कोई गासे भले बोलानंद स्वामी भले बोलानंद स्वामी सुख संपत्ति थासे हर के लासे जासे माँ अम्बा दुख हर से माँ आशा पूरी आशा पुर से अम्बे जयो जयो माँ जगदम्बे अम्बे जयो जयो माँ जगदम्बे। तो फिलहाल मेरा भी कपड़ों का सारा वर्क हो चुका है और यहाँ पे हमारे किसु भाई साहब भी आ गए ट्यूशन से और ये कर रही है इसका स्कूल का होमवर्क। किसु तूने तो आज सुबह में अच्छे से गरबे खेल लिए और अभी तो देखा बारिश आ रही है। हाँ। और अब तो तेज हो गई बारिश। तो तुझे तो मजा आया ना सुबह में। हाँ। अब क्या करेंगे जो सब रोज गरबा खेलते हैं वो। ये देखिए बाहर बारिश अभी भी आ रही है और पहले से ज्यादा तेज आ रही है। तो पिछले एक डेढ़ घंटे से कंटिन्यू बारिश आ रही है। पहले तो धीरे आ रही थी अब तो तेज़ हो गई है। वैसे अगर दो तीन दिन तक नहीं आती तो ही अच्छा होता है क्योंकि जो लोग गरबा खेलते हैं उनका सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। ऐसी बारिश में वो लोग कैसे गरबा खेल पाएंगे। और हमारा भी प्लान है कहीं जाने का गरबा देखने का लेकिन बारिश आ रही है तो पता नहीं। तो पहले तो मैं खाना खा लेती हूँ तब तक शायद बारिश रुक जाए और फिर हम लोग भी जाएंगे गरबा देखने के लिए। तो फिलहाल आज का तो हमारा सारा काम फिनिश हो चुका है लेकिन मासी मेरा गरबा देखने जाना कैंसिल हो गया है बारिश की वजह से। हाँ कोई बात नहीं टीवी में पापा जी देख रहे हैं मस्त आ रहे हैं। हाँ वो तो टीवी में तो लाइव आ रहे हैं पर उसका मैं वीडियो नहीं बना सकती ना। वो तो है ही है। सब लोग मिस करेंगे आज के गरबा। आज तो वहाँ मंदिर में अच्छे होने वाले थे। वैसे अष्टमी कल है कि परसों? अब परसों ये शायद हमारा व्रत परसों रहेगा कल नहीं करना है। ठीक है तो वह माँ मासी इसी बात पे ब्लॉग को यही एंड कर देते हैं। सबको जय माता दी। राधे 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 राधे।